हरे कृष्णा राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड्स में राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें, पूजा अर्चना हमें किस प्रकार करनी है, राधा अष्टमी का व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी श्री कृष्ण जी के 15 दिन बाद मनाई जाती है। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि पीरियड्स में महिलाएं राधा अष्टमी का व्रत कैसे रखेंगी। राधा अष्टमी का जो व्रत है 11 सितंबर को रखा जाएगा और दिन शुक्रवार है उस दिन। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 11:03 से शुरू होगा और 1:32 तक रहेगा। श्री कृष्ण भगवान का जन्म रात के 12 बजे हुआ था और राधा रानी का प्राकट्य दिन के 12 बजे हुआ था। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पीरियड्स में हम महिलाएं राधा अष्टमी पर व्रत कैसे रखेंगी और पूजा अर्चना किस प्रकार करेंगी। बहुत सारी महिलाओं की ये प्रॉब्लम रही थी कि जन्माष्टमी पर भी पीरियड्स आ गए थे तो जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की पूजा अर्चना नहीं कर पाई। साथ ही मेरे पास जन्माष्टमी पर कमेंट भी आए थे काफ़ी सारे कि हमारे पीरियड्स आ गए हैं तो जन्माष्टमी की पूजा हम किस प्रकार करें। तो सोचा राधा अष्टमी के लिए एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिस पर महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, अपनी राधा अष्टमी का व्रत बहुत ही सरलता से कर सकें। देखिए, जिन महिलाओं को पीरियड्स आ गए हैं या आने वाले हैं, उनको दूसरा दिन है या तीसरा दिन है या चौथा दिन है, तो राधा रानी की देखिए पीरियड्स में तो पूजा बिल्कुल भी नहीं की जाती है। जिन लोगों को 5 दिन तक पीरियड्स आते हैं या 3 दिन तक पीरियड्स आते हैं, जिन महिलाओं को 3 दिन तक पीरियड्स रहते हैं तो वो 5वें दिन बाल धोकर अपनी पूजा अर्चना स्टार्ट कर सकती हैं। शास्त्रों में 72 घंटे का विधान होता है, यानी 3 दिन तक हमें पूजा नहीं करनी होती है। कोई जब विशेष पूजा होती है तो सिर धोकर यानी बाल धोकर हम अगले 4थे दिन पूजा अर्चना कर सकते। और जिन महिलाओं को 5 दिन तक पीरियड्स आते हैं तो वो 7वें दिन अपने बाल वगैरह धो करके पूजा अर्चना कर सकती हैं। राधा अष्टमी पर अगर आपके पीरियड्स आ गए हैं और आपका मन कहता है कि मुझे ये व्रत रखना चाहिए, और रखना भी चाहिए क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत हमारी राधा रानी यानी राधा अष्टमी का व्रत रखे बगैर अधूरा होता है। तभी हमारा जन्माष्टमी का व्रत भी पूरा होता है जब हम राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं। तो राधा अष्टमी वाले दिन जिस महिला का पीरियड्स आ चुका है तो अपने सीधे हाथ में कुछ जल ले लेंगे और हम संकल्प लेंगे। कोई भी व्रत रखा जाता है तो उसके लिए संकल्प लिया जाता है। मैं राधा रानी आपका व्रत रखना चाहती हूँ तो मेरी व्रत रखने में सहायता करें, मेरे पीरियड्स आ चुके हैं इसलिए मैं आपको टच नहीं कर सकती हूँ, आपकी पूजा अर्चना नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं पूरे मन से पूरे भाव से आपका व्रत रखना चाहती हूँ और मन से ही आपकी प्रार्थना करती हूँ। तो राधा अष्टमी का व्रत करने में मेरी सहायता करें और मेरी पूजा स्वीकार करें। तो इस तरह से हमें सुबह ही संकल्प ले लेना है और हमें मंदिर में नहीं जाना है, मंदिर की कोई भी चीज़ को नहीं छूना है, यानी हमें भगवान से रिलेटेड कोई भी पूजा सामग्री नहीं छूनी है, ना ही फिर चाहे आपके लड्डू गोपाल हो, चाहे राधा रानी हो, ना ही आपको किसी प्रकार की डेकोरेशन करनी है, ना ही उनको आपको स्नान कराना है। जब टच नहीं करना है तो हमें ये सारी कार्य नहीं करने हैं। और राधा अष्टमी वाले दिन ना ही आप राधा रानी को भोग समर्पित करने के लिए कोई भी भोग बना सकते हैं। पीरियड्स में कोई भी प्रसाद है आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन भगवान को भोग लगाने के लिए यानी अपनी प्यारी राधा रानी को भोग लगाने के लिए आप उनके लिए भोग प्रसाद नहीं बना सकते हैं। वैसे हमारी राधा रानी को अरवी की सब्जी, दही अरवी की सब्जी जो होती है वो बहुत प्रिय है और वही उसी का भोग राधा अष्टमी पर राधा रानी को लगाया जाता है। राधा अष्टमी वाले दिन आप संकल्प लेने के बाद में आप घर के कार्य कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, फ़ोन में व्रत की कथा सुन सकते हैं, फ़ोन में चलाकर भजन कीर्तन कर सकते हैं, या आप उंगलियों पर नाम जप कर सकते हैं राधा रानी का, श्री कृष्ण भगवान का नाम कीर्तन कर सकते हैं, राधा रानी का नाम कीर्तन कर सकते हैं। और नाम कीर्तन आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपने मंदिर के समक्ष बैठकर ही ये भजन कीर्तन करें। अगर आपके घर में कोई और सदस्य है जो कि राधा रानी का पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, भोग प्रसाद बना सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं भी बना सकते हैं तब भी अपने मन से भाव से आप मानसिक पूजा करके राधा रानी जी को सब कुछ समर्पित कर सकते हैं। और एक बात, जब तक हम तारों को अर्घ नहीं देते हैं तब तक हमारी राधा अष्टमी का व्रत पूर्ण नहीं होता है। जब तारे निकल आएंगे तो जैसे अगर आपके घर में कोई और है तो वो आपके नाम से अर्घ दे सकता है तारों को, अगर नहीं है तो मन में ऐसा भाव बनाते हुए कि हम तारों को अर्घ दे रहे हैं उसके बाद में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपके घर में राधा रानी को पंचामृत स्नान कराया है किसी ने
तो उस पंचामृत को ग्रहण करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और व्रत के तीन तरीके बताए हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। आप जिस भी प्रकार से व्रत रखना चाहे उस प्रकार से व्रत रख सकते हैं। राधाअष्टमी का तीन तरह से राधाअष्टमी का व्रत रखा जाता है। राधाअष्टमी का व्रत रखने से हमें करोड़ों एकादशियों जितना फल प्राप्त होता है। तो आपने जन्माष्टमी का व्रत अगर रखा है तो आपको राधाअष्टमी का भी व्रत जरूर से रखना चाहिए। राधा रानी का प्राकट्य एक कमल के फूल से हुआ था। कमल के फूल में बहुत ही तेज प्रकाश निकल रहा था। देवी कीर्ति और राजा ब्रह्मवान जी ने देखा कि उस कमल के फूल में से नन्ही सी सुंदर सी दिव्य कन्या मुस्कुरा रही है जिसके नेत्र बंद थे। उस कन्या को देखकर दोनों बहुत पति पत्नी प्रसन्न हुए। उस कन्या को प्रथम संतान के रूप में अपने घर ले आए। यही कन्या परम शक्ति स्त्री राधा जी थी। तो इसलिए हमें राधा अष्टमी का व्रत जरूर से रखना चाहिए। राधा अष्टमी पर महिलाएं पीरियड्स में भी व्रत रख सकती हैं। अगर किसी के यहाँ सूतक हैं तब भी राधा अष्टमी का व्रत रख सकती हैं। व्रत का संकल्प लेना है, हमें कोई भी चीज़ पूजा की नहीं छूनी है और ना ही हमें अर्घ देना है। बस हमें मानसिक रूप से राधा अष्टमी की पूजा करनी है और व्रत रखना है। राधा अष्टमी के व्रत से जुड़ी सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आ चुकी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। हैप्पी राधा अष्टमी। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।